हेलो, जय हिंद एवरीवन। कैसे हो? आई होप सभी लोग ठीक होंगे। तो सभी जवानों को जय हिंद एवं प्यार भरा नमस्कार। साथियों, मेरा नाम है आनंद और आप देख रहे हैं नेवी पूरी एकेडमी। तो अभी इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि इंटर नेवी ज्वाइनिंग टाइम आपको क्या क्या चीज़ें ले जानी होती हैं। और दोस्त, ये जो भी चीज़ें हम बताएंगे ना, बिल्कुल रियल और ऑथेंटिक बताएंगे। और ये चीज़ें मैंने खुद ले गई थी अपनी ज्वाइनिंग के टाइम। तो साथियों, जो भी चीज़ें मैं बताऊंगा एक्सपीरियंस के बेसिस पे बताऊंगा, ना कि किसी यूट्यूबर की तरह, मतलब आपको पीडीएफ में देख देख कर एक एक चीज़ें बताऊंगा कि ये 5 ले जाना, ये 6 ले जाना, ये 3 ले जाना है। भाई वैसा कुछ भी नहीं है। तो साथियों, क्या है ना दोस्त, कि जो कुछ भी बताऊंगा आप लोग ध्यान से मतलब समझिएगा क्या क्या ले जाना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं, मेन आपका डॉक्यूमेंट ले जाना है, ठीक है। डॉक्यूमेंट में कोई गलती नहीं करनी है, डॉक्यूमेंट जितना लिखा गया सारा डॉक्यूमेंट्स बनवा कर ले जाना है, ठीक है। उसके बाद जो भी सामान लिखा गया, जैसे लोअर, टी शर्ट, शूज, सॉक्स, मतलब बहुत कुछ लिखा गया, उतना पढ़ना तो मुश्किल है। तो क्या है ना कि एक शब्द में सीख लीजिए कि डेली नीड्स की जितनी भी चीज़ें हैं ना, सब कुछ ले जाना है। और हेयर कट करवा कर जाना है बॉयज़ एंड गर्ल्स। तो मैं एक चीज़ कहूँगा कि बॉयज़ अगर करवा लेते हो तो ठीक है, लेकिन गर्ल्स आप मत करवाना, क्योंकि फाइनल मेडिकल में सपोज बाई मिस्टेक आप अनफिट होती हो तो फिर मतलब आप मतलब अपने को थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करोगे अपने सोसाइटी वगैरह में। तो इसलिए आप फिट होने के बाद आपको खुद वहाँ पर जो है हेयर कट कर दिया जाएगा। बॉयज़ भी भाई ऐसा, अगर छोटा छोटा बाल है तो आप चल जाओ, बाकी वहाँ पर हेयर कट होगा। और बाकी जो भी चीज़ें ले जानी होती है, इतना नहीं ले जानी होती है भाई, आपको सीधी और साफ साफ चीज़ें मैं बता दिया। जैसे एक टी शर्ट्स, दो टी शर्ट्स ले लो, दो लोअर ले लो भाई, और गर्मी का मौसम है और सर्दी में भी अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो थोड़ा हल्का स्वेटर वेटर ले लो, बाकी तो ठीक है ना। तो ज़्यादा कुछ लिया नहीं जाता है। और बस 5,000 रुपये ज़रूर ले लेना। 5,000 क्या भाई, 3,000-4,000 भी होगा तो चलेगा, क्योंकि ट्रेनिंग पीरियड में आपको कुछ पैसे की ज़रूरत होती है, क्योंकि आप जैसे ही जाओगे आपको सैलरी स्टार्ट नहीं होगा, आपको 1.5 से 2 महीने लगेंगे आपके अकाउंट में पैसे आने में। और हाँ, पैन कार्ड बहुत मैंडेटरी है, इतना ध्यान रखो, मतलब डॉक्यूमेंटेशन पूरा, कोई मतलब डॉक्यूमेंटेशन में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। बाकी सामान अगर कुछ छूट भी जाता है ना तो कोई दिक्कत नहीं है। तो समझ गए ना, तो समझदार हैं साथियों आप। तो बस रिक्वेस्ट करेंगे, इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक कीजिए। और जो भी चीज़ें मैंने बताया ना, जो कुछ भी है ना, मैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे, और कोशिश कीजिए जितना कम से कम ले जाइए, क्योंकि अभी जितना कम लैगेज ले जाइएगा ना, उतना ट्रेनिंग के बाद इतना कुछ आपको सामान वहाँ से मिल जाएगा, लैगेज वगैरह और वर्दी वगैरह बहुत कुछ आपको मिल जाएगा वहाँ से। लाने में फिर आपको कष्ट होगा घर पर, फिर ले जाओ, मतलब इधर से सोचिए कि जितना कम से कम आप सामान ले जाइए, मतलब डेली नीड्स की बहुत ही कम चीज़ें ले जाइए, जिसमें आप मतलब सोचिए कि आप गुजारा कर सकते हो। जैसे एक लोअर, टी शर्ट, फिर से शूज, सॉक्स, फिर से आपका अंडरवियर, बाकी जो कुछ भी है, मतलब सारा, मतलब सीधी तौर पे मैं बोल दिया ना कि एक इंसान जो भी यूज करता है ना, सब कुछ ले जाइए, टूथपेस्ट, ब्रश वगैरह, सॉक्स, साबुन, सरफ, जो कुछ भी है, तेल, फिर से बाकी सब कुछ आप ले जाइए जो आप यूज करते हैं। बाकी कितना ले जाना है ये आप पर डिपेंड करता है, क्योंकि भाई उनके हिसाब से आप चलिएगा तो 10 से 15 हज़ार का लिस्ट बन जाएगा, तो उतना हर एक स्टूडेंट अफोर्ड नहीं कर सकता। तो इसलिए सबसे रिक्वेस्ट है मेरे भाई, तो करिए वही जो मतलब जितना आप एफर्ट कर सकते हैं उतना ही सामान ले जाइए। बाकी किसी किसी को देखने के बाद ऐसा मत सोचिए कि वो उतना सामान ले जा रहा है। भाई मेरे टाइम भी मतलब बड़ा बड़ा बैग लेकर लोग आते थे, बट मैंने देखा, ये देख सकते हो, बहुत छोटा सा बैग लेकर हम लोग गए थे, और तो आने में भी काफ़ी अच्छा लगता है। उधर से जब आप आओगे तो काफ़ी कम्फर्टेबल फील करोगे, क्योंकि उधर से ही बहुत कुछ मिल जाता है। इसीलिए दोस्तों, मैं आपको रेकमेंड करूंगा जितना कम से कम जो सामान है आप ले जाइए, जो भी आप यूज करते हैं या यूज करना चाहते हैं वही चीज़ें ले जाइए। बाकी ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर प्रतिक्रिया दीजिए, और चैनल पर नया सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।